पाना जनपद के तिदवारी पुलिस को बड़ी सफलता मिली। अवैध गांजा के साथ अंतरराज्य के दो गांजा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं क्राइम ब्रांच के संयुक्त चेकिंग अभियान में महिंद्रा एक्सक्लूसिव से एक क्विंटल 311 ग्राम नजायज सूखा गांजा बरामद किया गया। आपको बता दें, बांदा पुलिस अधीक्षक एवं अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में अपराध तथा अपराधियों के विरोध चलाए जा रहे चेकिंग अभियान तथा वंचित वर्गों की गिरफ्तारी हो समस्त थाना प्रभारी सहित जनपद की अपराध शाखाओं को निर्देश निर्गत करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक बांदा के नेतृत्व में तिनवारी थाना की पुलिस तथा क्राइम ब्रांच की टीम ने मुखबिर की सूचना पर एक महिंद्रा एक्सक्लूसिव कार से एक क्विंटल 311 ग्राम सूखा गांजा बरामद किया, जिसमें दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। शिवशंकर पुत्र हरपाल सिंह निवासी दुशैती महाराजगंज रायबरेली, अमित सिंह उर्फ मोनू सिंह पुत्र ज्ञानेंद्र सिंह निवासी दुशौती महाराजगंज रायबरेली को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, जिसमें गिरफ्तार करने वाली टीम में तिंदवारी थाना प्रभारी नीरज कुमार सिंह, स्वाट प्रभारी निरीक्षक एमपी त्रिपाठी, उप निरीक्षक मयंक सिंह चंदेल, आरक्षी योगेंद्र सिंह, भानु प्रकाश, शैलेंद्र सिंह, आरक्षी अभय यादव, थाना तिंदवारी, शुभम थाना तिंदवारी गिरफ्तार करने वाली पूरी टीम मौजूद रही। बांदा से संवाददाता उमेश यादव की रिपोर्ट। गया है, कितना गांजा था, कहां से आ रहा था, कहां जा रहा था और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? जी, इसमें दो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, शिवशंकर उर्फ शंकर और अमित सिंह उर्फ मोनू। ये दोनों दुसौती थाना महाराजगंज रायबरेली के निवासी हैं और इनके महिंद्रा एक्सयूवी जो सफेद रंग की गाड़ी है, इसमें एक क्विंटल 311 ग्राम गांजा बरामद किया गया है और इसको हमारे प्रभारी निरीक्षक तिंदवारी नीरज सिंह और स्वाट टीम प्रभारी एमपी त्रिपाठी और इसमें उप निरीक्षक मयंक सिंह चंदेल, मुख्यारक्षी योगेंद्र सिंह, भानु प्रकाश और शैलेंद्र कुमार, अभय यादव और शुभम की टीम ने मिल के पकड़ा है। और ये पूरा अभियान हमारे क्षेत्राधिकारी सदर श्री राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में चलाया गया था और इनमें जब पूछताछ की गई तो इनके चार बंडल निकले और उसमें सूखा गांजा उसमें पैक था और ये लोग लेकर के जा रहे थे। ये हमारे जो तिंदवारी है उसमें बबीरू तिराहा है वहीं पे और चेकिंग के दौरान ये लगभग 14-20 पर ये पकड़े गए हैं और इस पे मुकदमा अपराध संख्या 6/2020 ये NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। कैनो इनसे और भी जानकारी की गई कि कब से कर रहे थे ये लोग और कहाँ से आते थे, कहाँ ले जा रहे थे? संबंध में बहुत सारी पूछताछ हम लोगों ने की है और वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इस पे हमारी फर्दर अभी कार्रवाई और बाकी एक्शन अभी बाकी है और ये एक्शन अभी आगे भी जारी रहेगा। ठीक है।